आज हम सीखेंगे कि एक वेलकम शेप कैसे बनाना है 3D में, और उस वेलकम शेप में हम वेलकम लिखेंगे और वो कहीं पर भी आप रख सकते हो, जैसे रिसेप्शन टेबल के ऊपर रख सकते हो, आप अपने गेस्ट रूम में रख सकते हो, या किसी भी टेबल के ऊपर, अपने स्टडी टेबल के ऊपर रख सकते हो। तो वो आपका अपना एक 3D का शेप होगा जो कि आपने कहीं भी बाहर से नहीं खरीदा है। तो इसको सीखते हैं, करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रिमिटिव मेनू में जाना है। यहाँ से ये सारे के सारे 3D शेप्स हैं, आप इनमें से यूज़ करके आप किसी से भी वेलकम शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा यहाँ पर पिरामिड शेप का, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। तो पिरामिड शेप पे क्लिक किया और फिर इसको ग्रिड के ऊपर क्लिक कर लिया, प्लेस कर लिया क्लिक करते हुए। अब आपको इस होम बटन पे क्लिक करना है और अपने माउस के स्क्रॉल बटन को यूज़ करना है इसको जूम आउट जूम इन करने के लिए। हम इस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ कितना रखना है ये अब हम अप्लाई करेंगे। तो नीचे देखेंगे आपको एक टूल मिलेगा, स्मार्ट स्केल टूल, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी है इस पर क्लिक करना है और टाइप करना है 80, और फिर से जूम आउट करते हुए इस वैल्यू को भी आपको 80 करना है, एंड अगेन जूम आउट किया और इस हाइट को भी आपको 80 करना होगा। और इस ग्रीन वाले चेक बटन को आपको क्लिक करना है। अभी आप देखोगे जब आप जूम आउट करोगे तो आपका मॉडल इस ग्रेड के हाफ नीचे है और हाफ ऊपर है। तो अभी आपको मॉडल ऊपर लेके आना है, मॉडल को आप सिलेक्ट करोगे, नीचे आप देखोगे ये मूव टूल अब मिलेगा आपको, इसको क्लिक कर लेना है। इस मूव टूल के ये अप एरो को यूज़ करते हुए इसको ऊपर लाना है और बाहर क्लिक कर देना है। एक बार होम बटन में फिर से क्लिक करना है आपको। अब आप इसको रोटेट करेंगे और बॉटम से चेक करेंगे तो ये सॉलिड है। आप बाहर क्लिक करोगे, सर्कल से बाहर क्लिक करना है आपको, और पहला क्लिक आपको इस मॉडल के ऊपर करना है और सेकेंड क्लिक, दूसरा क्लिक आपको इस मॉडल के बेस पर करना है, फ्लैट सरफेस पे। आपका मॉडल कैसा भी हो सकता है लेकिन फ्लैट पे करना है। हम इसको हॉलो करने जा रहे हैं, तो जैसे हम इसके बेस पर क्लिक करेंगे तो हमें सेल टूल मिलेगा, इस सेल टूल को क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर सेल टूल की जो वैल्यू, जो थिकनेस आ रही है, ये थिकनेस इस वॉल की है, इसको 1.2 कर लेना है। ये यहाँ पर हमने हॉलो इसलिए किया हुआ है ताकि जब ये 3D पर प्रिंट होगा तो ये बहुत ही कम टाइम पर प्रिंट हो जाएगा। जब ये सॉलिड था तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, मटेरियल भी उसमें ज़्यादा लगता है। तो याद रखना है ये 1.2 वैल्यू यहाँ पर रखनी है। बाहर क्लिक करेंगे, अब आपका ये मॉडल हॉलो हो गया है। अब आपको ये मॉडल, आपका शेप बन गया है, ये मॉडल बन गया है। चलते हैं इसके ऊपर आपको वेलकम शेप लिखना है। कैसे लिखेंगे, आपको बाहर स्पेस में क्लिक करना है, उसके बाद ये टी आपका ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, और सेकंड क्लिक आपको अपनी फ्लैट सरफेस पे मॉडल के ऊपर करना है, और थर्ड क्लिक भी यहाँ पर करना है। तो थ्री क्लिक में आपका ये टेक्स्ट आया, साथ में एक पैनल आ रहा है, आप इस पैनल को यूज़ करेंगे। आपको कैप्स लॉक अपने कीबोर्ड का ऑन कर लेना है और वेलकम लिखना है। अभी आप देख रहे हो कि ये वेलकम थोड़ा सा डायगोनल में आ रहा है, तो आप इस सर्कल का यूज़ करेंगे इसका एंगल सही करने के लिए। और आपकी ये प्लेसमेंट भी अभी सही नहीं आ रही है, तो अगर आपकी भी ऐसे प्लेसमेंट सही नहीं आ रही है तो आप इस स्क्वायर का यूज़ करेंगे और इसको क्लिक करके इसको रिप्लेस करेंगे जहाँ पर भी आपको रखना है। थोड़ा सा एंगल और सही करते हैं। याद रखना है आपको इस बोल्ड पर क्लिक करना होगा, अगर इस बोल्ड पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका 3D मॉडल, सॉरी 3D प्रिंटर हो सकता है इस वेलकम टेक्स्ट को प्रिंट ना करे। अब आप इसको ओके करेंगे और फिर से होम बटन पर आपको क्लिक करना है। अब इस वेलकम को, क्योंकि ये वेलकम अभी आपने 2D में लिखा हुआ है, ये 2D है और प्रिंटर इसको प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए इस वेलकम के ऊपर आप क्लिक करोगे और जो आइकन आ रहा है इस आइकन से आपको एक्सट्रूड टूल पे क्लिक करना है।
और जो ये वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को आपको कर देना है 1.2। याद रखना है आपको यहाँ से ये जो एरो आ रहे हैं इस एरो से आपको सिलेक्ट करना है न्यू सॉलिड और आपको बाहर क्लिक कर लेना। आपका मॉडल रेडी है, आपका मॉडल बन गया है, इसको प्रिंटर पर आप प्रिंट कर सकते हैं। पर अभी इसको हम कलर भी करते हैं, तो कलर करने के लिए आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अप्लाई ओवरले पर चेक लगा लेना है आपको। अभी आपको कोई भी कलर सिलेक्ट करना है, व्हाट कलर यू वांट टू अप्लाई ऑन योर मॉडल। एक कलर हमने येलो कलर लिया जो कि अपने 3D शेप के ऊपर पिरामिड शेप के ऊपर यूज किया। फिर हम इसका कलर चेंज करेंगे पर मॉडल हमारा होगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का कलर हमने ब्लू रखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग कलर रखना क्योंकि आपका मॉडल होगा। और इस तरह से ये हमारा वेलकम शेप बन गया। अब इस मॉडल को 3D पर हम प्रिंट करेंगे और रिसेप्शन टेबल पर रखेंगे। नीचे ध्यान रखना है आपको हॉलो करना है ताकि आपका मॉडल जल्दी प्रिंट हो जाए। और इस ग्रिड को आप चाहो तो यहाँ से ऑफ कर सकते हो ताकि मॉडल आपका और भी क्लियर आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपने एक 3D का वेलकम शेप बना लिया है। हमने यहाँ पिरामिड शेप का यूज किया है। आप यहाँ पर किसी भी शेप का अलग अलग डिजाइन बना करके वेलकम शेप बना सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।